हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं अपने एक पुराने DIYs को रिपर्पज़ करने वाली हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ माय ओल्ड DIYs, जो आपको याद होगा मैंने एक लैम्प के फॉर्मेट में बनाया था। ये मैंने इसका जो हैंगर है ये मैंने डॉलर ट्री से लिया था, और ये मैक्रमे कॉर्ड को बस मैंने एक नॉर्मल नॉट्स की ग्लास नॉट की तरह से आगे की तरफ और एक लेंथ इससे ज़्यादा बड़ी लेंथ यहाँ पे अंदर की तरफ डाली थी। मैं इसको रीपर्पज करने जा रही हूँ बिकॉज नाउ आई एम क्वाइट बोर्ड ऑफ दिस लैम्प। मैं क्या करने वाली हूँ, जो इधर वाले मैक्रमे कॉर्ड्स हैं जो फिलहाल लूजली हैंगिंग हैं, मैं उनको इस तरह से ये वाली नॉट्स बनाऊंगी इधर की तरफ ही। कुछ मैंने ऑलरेडी मैं ट्राई कर रही थी कि कैसी लगेंगी ये नॉट्स बनके, सो डोंट गो बाय दी टैसल्स, ये अभी कॉम नहीं हुए हैं। तो ये नॉट, ये पैटर्न रहेगा थ्रू आउट इस रीत के चारों तरफ। जब ये वाली सारी नॉट्स इधर भी कवर हो जाएंगी तो आई विल फ्लिप देम अपवर्ड्स। Let's see, ये नॉट बनके कैसे टर्न आउट होता है। नाउ यू कैन सी कि इधर एक पैटर्न बन गया है, तो अब इस पैटर्न को एग्जिस्टिंग पैटर्न के साथ मर्ज कैसे करेंगे। लास्ट टू स्ट्रैंड्स इधर वाले पैटर्न के और एग्जिस्टिंग लास्ट टू स्ट्रैंड्स इधर वाले पैटर्न के, और आप इनको उसी तरह से सेम नॉट्स में तब्दील कीजिए। फिर अगेन इधर की स्ट्रैंड्स इधर से कंप्लीट करिए और इधर की स्ट्रैंड्स इधर से कंप्लीट करिए, तो एक वापस से एक सर्कल इधर बनना शुरू हो जाएगा। इसका एक और इजी तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट लेयर है, जो फर्स्ट राउंड ऐसे चारों तरफ आपको दिख रहा है, आप पहले ये वाली नॉट्स थ्रू आउट द सर्कल आप बनाएं। उसके बाद जब ये वाला लेयर फर्स्ट पूरे सर्कल में ख़त्म हो जाएगा, तो आप ऑल्टरनेट स्ट्रैंड्स लेके सेकेंड वाला नॉट्स जो है, सेकेंड वाले लेयर के जो नॉट्स हैं वो पूरी सर्कल में बना दें। उसी तरह से फिर ऑल्टरनेट स्ट्रैंड्स लेके आप ये वाला स्टार्ट करें, फिर इसके और इसके ऑल्टरनेट स्ट्रैंड्स लेके आप ये वाला स्टार्ट करें। यहाँ पे आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर का पैटर्न कम्प्लीट किया हुआ था एंड इधर वाले पैटर्न को अब इधर से मर्ज कर रही हूँ। सो इसका इजी तरीका वही था कि आप पूरे पैटर्न में थ्रू आउट ऐसे ऐड करें, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, एंड इट्स गोना बी इजी फॉर यू। तो ये अब ड्राई हो गया है और अब मैं इस पे E6000 ग्लू के साथ इसकी एजेस पे मेरा राउंड मिरर जो मैंने माइकल से लिया था इसको स्टिक करूँगी, और मैं इसे करीब करीब ओवरनाइट के लिए छोड़ूंगी सो दैट इट इज़ प्रॉपरली ग्लूड ऑन इट। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख के देखूँ तो ये एजेस पे यहाँ पे फिट हो रहा है। आई एम गोना रिमूव इट एंड एजेस पे बहुत अच्छे से मैं E6000 ग्लू लगाऊंगी। Very gently place it. Now we'll leave it like this for 24 hours and तब तक ये अच्छी तरह से stick हो जाएगा।
So this is how it looks like now. All the knots have been tied up. The circle is complete. The only thing is I have to trim off these edges and comb these. These will be done later. Now in the center, the mirror that I glued to the plate yesterday, I will glue this one here. And then, like this, I will glue this one here and tie a rope here to ultimately hang it on the wall. So I've glued the mirror with the wreath on all the sharp edges that are coming out, and I will leave it overnight and put the glue again with one more layer tomorrow, because it is hanging only through these edges.